गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग में क्या हो रहा है वो चल के देखते हैं। तो मेरे ख्याल से दीदी किचन में कुछ कर रही है, तो वो भी चल के देखते हैं। तो ये देखो गाइस, आज फिर से दीदी बना रही है मेरा फेवरेट डिश, वो भी मैक्रोनी। मैंने सोचा रोज रोज इसका डिश क्या ही दिखाऊं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। और ये देखो मेरा ब्रेकफास्ट मिल गया मुझे, कितना टेस्टी बना यार। तो गाइस, दीदी हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। और दीदी वैसे ये क्या कर रही है, तू यही कल बना रही थी ना? कंप्लीट हो गया मतलब? तो गाइस ये देखो, मैं इस पे आउटलाइन कर रही हूं, मेरी इरेजर का हालत देखो पहले। नया इरेजर। तो गाइस ये देखो, दीदी ने यहाँ पे सुंदर सी ड्राइंग बनाई है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। वो पेंसिल से ड्रॉ करके फिर मैंने ब्लैक पेंसिल से आउटलाइन कर दी। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये मैं कल ही दिखाती जो तू ये ड्राइंग बना रही है, बट मैंने कल इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी इनकम्प्लीट थी। हाँ हाँ वही बात ना, इसीलिए। तो अभी तो देखो कलर करूंगी। हाँ अभी मैं इस पे बस कोटिंग कर रही हूँ ब्लैक पेन। अच्छा, अब इसमें कलर करोगी? हाँ सोच रही हूँ। ओह वाओ, अब पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर करूँ, लेकिन हाँ देखते हैं कुछ। चलो, क्योंकि जिस बुक से मैंने बनाया ना, उसमें कोई कलर नहीं दिया, वो पूरा ऐसे ब्लैंक के बस ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया, तो मैंने छाप दिया है, अब मैं कलर भरूंगी। चलो सही है यार दीदी, अब तो मेरे स्कूल्स वगैरह भी खुलने वाले हैं। पता है मुझे सर्दी हो गई यार, पता नहीं कैसा लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? सर्दी हो गई है। अच्छा, तो जाके काढ़ा बना के पी लिया, फिर मेडिसिन लाती हूँ? मतलब मेडिसिन नहीं, मम्मी बोल रही थी कि काढ़ा बना दूंगी, तो मैं सोच रही मम्मी को क्या परेशान करूँ मैं खुद। हाँ मम्मी वैसे ही पूजा वगैरह में बिजी है। तो ऐसा कर, तू ही चल के काढ़ा बना ले, ठीक है? अभी रोड पे भी जाना है। देख वैसे तो मैं बना के दे देती, बट लेकिन फिर भी मैं नहीं बना के दूंगी तुझे, खुद का काम खुद से करना चाहिए ना, है कि नहीं? ऐसे नहीं होगा कि हम बीमार पड़ गए तो हम बिल्कुल दूसरे का सहारा लेने लगे। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। हाँ, अदरक है ना? हाँ अदरक है, तुलसी जी का पत्ता है। हाँ वो सब है। चल जल्दी से किचन में। बस ये रुक जा थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम किचन में आ गए हैं और दीदी अपना कढ़ा बनाने जा रही है, उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही है। तो दीदी क्या कर रही हो वहाँ पे? देख रही हूँ, गुड़ निकाल रही हूँ। गुड़ निकाल रही हूँ? अच्छा, कहती है कि नहीं? हाँ पता है मुझे, काढ़े में गुड़ पर मतलब गुड़ डालते हैं, काढ़े में गुड़ डालते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो लौंग डालते हैं, काली मिर्च और तुलसी जी का पत्ता वगैरह ये सब डालते हैं उसमें, मुझे पता है। जल्दी निकाल निकाल, इधर नहीं होता है। चलो तो आज मैं इसकी बोरिंग सी काढ़े वाली रेसिपी भी दिखाऊंगी। दीदी अभी तक तो सुबह सुबह मेरे लिए बहुत अच्छा से डिश बनाई थी, कैसे काढ़े पे आ गई? गाइस सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। अभी इसमें देखो यहाँ पे गुड़ डाला है दीदी ने, मेरे लिए भी बना रही है। ये देखो गाइस सब ढूंढने में लगी है, मेरे लिए भी बना रही है, ले लेना। अच्छा हाँ मम्मी गुड़ का ही बना, नहीं मम्मी चीनी का नहीं बना रहे, मम्मी दो लौंग डाल दो हो जाएगा। अच्छा मरीच डालना है, पता नहीं क्या क्या कहा। वो भी होगा कि नहीं? होगा होगा, उसे ऐसे कूट के डालते ना दीदी। कुछ तो पता है मेरे को। फ्रिज में से अदरक लेती है? अदरक लाना है फ्रिज में से? ओ रुक जा मैं लेके आती हूँ अदरक। अभी देखो ये डलिया पूरा खाली हो गया फ्रिज का जो सब्जी वाला था। अभी हम जाएंगे, हम और दीदी रोड पे, तो हम लोग जाएंगे और हम लोग लेके आएंगे सारे सब्जी वगैरह, हम लोग लाएंगे या फिर मम्मी लाएगी। वो तो मैं जाके ना मिक्स वाली गोली भी लूंगी यार। हाँ ले लेना, गले में दर्द हो रहा है। हाँ वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये पूरा डालूंगी? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना मेरे हाथ में ऐसे मोबाइल था और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर सीता ने थमा दिया, बस वो मैं इधर उधर का काम करती रहती हूँ ना। और यार गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, अब तो मेरे स्कूल भी खुलने वाला है और उसका भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा स्कूल खुलने वाला है और फिर मेरे टेस्ट वगैरह होने वाले हैं और दीदी को अपना फाइल वगैरह बनाना है ना दीदी? देखो बहुत व्यस्तता वाला दिन हमारा होने वाला है। तो गाइस दीदी कहे देखो यहाँ पे काढ़ा बन रेडी हो गया है, मुझे वैसे थोड़ा रखी तो मैंने नहीं बना ली दीदी। अरे नहीं यार हो जाएगा, पी ले। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आज बाल थोड़ी मुझे अच्छी से बाल। ओहो, और गाइस फिर अभी हमें जाना है बाहर,
क्योंकि हमें मतलब सारे सामान वगैरह लेने थे, जो भी सामान लेंगे वो तो आप सबको दिखाएंगे ही। और दीदी सबसे एक्साइटमेंट की चीज है इस वीडियो में, वो क्या है बता दो। अभी नहीं, बाद में। अच्छा बाद में, ओके बाद में ही सही। थोड़ा सा इंटरव्यू दे क्या? नहीं 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 गाए गाए, सब लास्ट तक बने रहना ठीक है, फिर वो लास्ट में पता चलेगा कि क्या है इस वीडियो में। तो चलो चलो अभी तो हम जा रहे हैं बाहर। A few moments later. तो गाइस अभी हम बाहर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी मैं और दीदी जा रहे हैं बाहर। दीदी रेडी हो गई? चल ठीक है चलते हैं। सभी क्या क्या लेना है? सेब लेना है, शायद अंगूर लेना है और सब्जी। अच्छा ये सब लेना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेना है। ठीक है ले लेना। गर्मी शुरू हो गई ना हमारा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेना है। तो गाइस चलो चलते हैं मार्केट। ठीक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रोड पे। हाँ तो अभी हम यार थोड़ी दूर जैसी है। हाँ यार वैसे ऑटो से जाना चाहिए था क्या? चलो करो थोड़ी वॉकिंग हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं फ्रूट्स की शॉप पे। हाँ और फिर मेकअप वगैरह की शॉप पे भी जाना है हमें। इतनी तेज पहले फ्रूट्स लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद कॉस्मेटिक की शॉप। हाँ बिल्कुल। हाँ। रुक यार। अच्छा अच्छा सेब छाट लेना। ये देखो गाइस दीदी यहाँ पे ले रही है नेल पेंट वगैरह, तो इसको आते ही नेल पेंट ही पसंद आने लगता है। तो गाइस अभी देखो अभी हम आ गए हैं बाहर से और यार बहुत ज्यादा थकान हो गई, एकदम टायर्ड सा फील हो रहा है। ये क्या स्टैंड और टूट गया? ओह माय गॉड, एक ही तो जान थी वो भी चली गई। ये देख ये तो पूरा अलग हो गया यार। गाइस हमारा स्टैंड टूट गया यार। ओह माय गॉड, क्या करेंगे? अरे यार अब क्या करेंगे दीदी, मुझे तो बहुत दिनों से चाहिए ही था स्टैंड। मुझे मेरा मम्मी कुछ अपना उठाई होगी वहां से गिर गया होगा ताड़ से, और तो मम्मी क्या करती? अरे यार ये भी बात है, मम्मी भी क्या करती। आई ला इससे काम नहीं चलेगा। ओह माय गॉड हमारे स्टैंड का। गाइस देखो हमने आपको बीटीएस में दिखाया था ना कि हमारे स्टैंड का क्या हालत हो गया। दीदी मत जोड़ रहने दे, दीदी मत जोड़ो, कह तो रही हूँ। अरे यार उसको देख के अजीब सा लग रहा है। ये देखो गाइस क्या हालत हो गई उस बेचारे की। हाय रब्बा। ये कहते हैं प्यास लगी था पानी दे। अच्छा तू ही पी ले मैं। हाँ हाँ अभी ड्रेस चेंज करना है यार दीदी, अभी तुझे फाइल लिखना है, मुझे पढ़ाइयाँ करनी है बहुत ज्यादा। मतलब सॉरी यार वही पढ़ाई करनी है। गाइस यार बहुत दिमाग खराब हो रहा, हमारा स्टैंड टूट गया बेचारा। ये क्या मार्केट से आने के बाद तुझे सदमा लग गया क्या? नहीं सदमा नहीं लगा है। तो ऐसे क्यों बैठी है? वो बात क्या है ना कि वो टाइम आ गया है जो मैं आप सबको पार्सल दिखाने वाली हूँ। अच्छा। जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे थे कि हाँ, जब मैं हाँ, जब काढ़ा बना रही थी। सही बात है, हमने बताया नहीं था ना, तो सही में बारी आ गई है कि हमने क्या मंगाया है। रुके आपको दिखाते हैं। वो गाइस हमारा पार्सल बहुत ज्यादा आता रहता है ठीक है, तो उसमें फोकस मत करना, हम अनबॉक्सिंग करते करते थक जाएंगे। लेकर आऊं? हां हां लेकर जल्दी। ये देखो गाइस ये और अब आप सोचो चलो पेन कर छोटू सा चीज क्या है, तो इससे छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो भाई खुल जाएगा ना, हमने भी देखा नहीं है ठीक है, आप लोग के सामने ही अनबॉक्स कर रहे हैं इसे। वैसे तो हम लोग से कैसे इतना बर्दाश्त हो गया इस बार हम लोग से, मैं तो ये सोच रही हूँ। वैसे तो दीदी हम कोई पार्सल हम लोग बिना देख के रहा नहीं जाता, सोचा आज इस बार ऐसे। ये देखो गाइस हमने क्या ऑर्डर किया था, ये दीदी छोटू सा चीज मंगाया है। डिब्बा कितना क्यूट है ना। हाँ। मुझे इससे ज्यादा डिब्बा क्यूट लग रहा है। इसमें हमने पायल मंगवाया था जो कि तो ये देखो ब्लैक में है, ये रहा पायल। और वैसे ये पसंद है, मतलब दीदी का बहुत ज्यादा मन था कि मैं ये पायल पहनूंगी। सही पायल पहनूंगी। तो ये देखो गाइस इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है, बहुत प्यारा लग रहा है ना दीदी। हाँ बहुत प्यारा है, पूरा सिल्वर उसके बाद पूरा ब्लैक मोती जैसा है इसका डबल, अच्छा लग रहा है जो कि बहुत ब्लैकिश में है ना दीदी। यार मैंने मंगा तो लिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पहनूंगी, एक जैसे बस एकदम देख देख के रोज अच्छा लग रहा था,
पता नहीं क्यों पहनने के बाद ना मुझे बहुत अनफिट सा लगता है, ऐसा लगता है कि कैसा तो लग रहा है पैर में। वाओ कितना प्यारा है ना। बहुत सुंदर, अच्छे से दिखा, देख आया बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं शायद ही पता नहीं पहन पाऊंगी कि नहीं। तो ये देखो गाइस, ये रहा पायल, कितना प्यारा। हिला मत, थोड़ा रुक तो सही। हाँ। कितना प्यारा आया है, मतलब बहुत अच्छा है, और ये मतलब बजट में भी है, ठीक ठाक है, ठीक है। क्योंकि ये सब छोटे सामान तो ठीक ठाक नहीं मिलते हैं, इतना हैवी में क्या जाने की जरूरत। मैं क्या सोच रही हूँ, या तो तू पहन डालना या तो मम्मी को दे दूंगी। मम्मी को दे देंगे, मम्मी सीधे डेली में पहन डालेगी। हाँ, क्या चाह रहा है, दे देंगे। तो समझो मम्मी के लिए हमने ऑर्डर कर दिया था, बस आप सबको दिखाना था। तो देखना मम्मी नहीं लेगी, फिक्स है, मम्मी का चांदी की आदत है ना लेगी। मम्मी कहेगी तुम लोग ने अपने लिए ऑर्डर किया है तो तुम लोग अपने। कोई बात नहीं यार, ठीक है, मैं पहन डालूंगी। किसी किसी ओकेशन पे, वैसे भी तुझे हमेशा संगीत में जाना रहता है, शादियों में जाना रहता है, तुम हमेशा ना यही पहन पहन के जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, मंगाए तो मैंने इसीलिए ना, लग रहा पायल ही बस दिखाने जाना है जहाँ जाऊंगी। तो गाइस हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाय बाय।